सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम इसकी बना रहा हूं। 13th क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो दो नंबर्स हैं जिनका सम 24 है, तो हमने क्या करा, दो नंबर्स लेट कर लिए, तो क्या लेट करेंगे अगर उनका सम 24 है, तो x एंड 24 माइनस एक्स, ये दो नंबर्स हो गए। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या दिया है, उनका प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट मतलब फंक्शन हमारा क्या बनेगा, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो क्या आ गया हमारा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें x की वो वैल्यू देखनी है, नहीं एक ही वेरिएबल में करना है हमें, x एंड y लेट करोगे y इक्वल्स टू फर्दर आपका 24 माइनस एक्स हो गया। अगर हमने दूसरा नंबर y लेट कर लिया तो y बेसिकली क्या होगा, 24 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि x प्लस y 24 है, फिर आपको यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा, बात वही है, क्लियर। सो एफ एक्स ये हो गया आपका। अब आपको x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसमें ये फंक्शन मैक्सिमम हो, क्लियर। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 24 माइनस 2x। और अब x की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, इसको इक्वल्स टू 0 करके, सो 24 इक्वल्स टू 2x, सो x इक्वल्स टू 24 बाय 2 यानी कि 12, क्लियर। और अब हमें चेक करना है कि ये इस पर मैक्सिमम है या नहीं, तो क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव इसका। सो 24 माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 24 का डेरिवेटिव 0, सो सिर्फ माइनस 2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, क्लियर। सो माइनस 2 मतलब अब अगर हम इसमें x की वैल्यू 12 पुट कर रहे हैं तो आंसर तो माइनस 2 ही रहेगा, विच इज लेस देन 0। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 12 द फंक्शन इज मैक्सिमम, क्लियर, आगे समझ में। सो x की वैल्यू हमारे पास 12, मतलब एक नंबर हमारे पास 12 हो गया, तो दो नंबर्स क्या होंगे, टू नंबर्स आर 12 एंड 24 माइनस 12 करेंगे तो वो भी 12 आएगा, सो 12 एंड 12, क्लियर।